हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। इस वीडियो के अंदर हम रिएक्ट नेटिव वीडियो के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जैसे मैंने देखा, बहुत सारे लोग, लाइक मैं खुद भी एक नया प्रोजेक्ट जब बना रहा हूँ और उसके अंदर रिएक्ट नेटिव वीडियो को इम्पोर्ट कर रहा था या फिर लाइक इम्प्लीमेंट कर रहा था, तो बहुत दिक्कतें आ रही थी क्योंकि रिएक्ट नेटिव वर्जन 0.68.0 उस वर्जन तक तो लाइक अच्छे से चल रहा था, ठीक है। जैसे ही ये अपग्रेड वर्जन आया लाइक 0.69.0 और 0.70 से, ओके, इन मतलब जितना भी ग्रेटर देन आया 0.68 से, ठीक है, उस वर्जन के अंदर रिएक्ट नेटिव वीडियो दिक्कत देने लगा। जब भी हम नया प्रोजेक्ट बना रहे हैं इस वर्जन पे, तो रिएक्ट नेटिव वीडियो दिक्कत दे रहा था, ठीक है। तो आज मैंने इसका सॉल्यूशन, लाइक मैंने दोबारा से इसको, मैंने 5 से 10 दिन पहले भी इम्पोर्ट करके देखा था, मतलब इम्प्लीमेंट करके देखा था, ठीक है, तब भी सेम इशू आ रहा था। बट मैंने आज फिर से ट्राई किया और ये मेरे हिसाब से, जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हो, यहाँ पे मैंने रिएक्ट नेटिव वीडियो, अभी रिएक्ट नेटिव वीडियो को ही सिर्फ लाइक ऐड किया है, ठीक है। रिएक्ट नेटिव वीडियो मीडिया कंट्रोल्स नहीं किया है, वो भी करेंगे, ठीक है, इस वीडियो के बाद उसको देखेंगे। बट पहले हमें ये देखना है कि इसमें क्या दिक्कत आ रही थी, हमने कैसे सेटअप किया जो ये सही से चल रहा है ना, तो इस चीज़ को हम अभी देखेंगे, ठीक है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो और वीडियो को लाइक जरूर करना, ठीक है। तो सबसे पहले हम कोड की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि जो करंट प्रोजेक्ट जो हमने बनाया है, जो प्रोजेक्ट हमने बनाया है, इसके अंदर रिएक्ट नेटिव का क्या वर्जन है, क्योंकि एक्चुअली जो दिक्कत आई थी वो रिएक्ट नेटिव वर्जन से आ रही थी, ठीक है। तो मैं आपको वेरीफाई करा देता हूँ कि क्या रिएक्ट नेटिव वर्जन हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे रिएक्ट नेटिव जो है ये 0.70.0, ये बिल्कुल नया का नया वर्जन है, ठीक है। और इस वर्जन के अंदर लाइक 0.68 के बाद से ही दिक्कत आ रही थी, तो मैंने दोबारा से इसको लाइक रिएक्ट नेटिव वीडियो को वो किया, ठीक है, ऐड किया, इंस्टॉल किया। उसके बाद हम देखते हैं, जानते हैं कि क्या क्या चीज़ें मैंने ऐड करी, ठीक है। हम लाइब्रेरी को भी छोड़ देते हैं, इस डॉक्यूमेंटेशन को भी छोड़ते हैं, क्योंकि यहाँ से सिर्फ मैंने रिएक्ट नेटिव वीडियो को यार्न की हेल्प से इंस्टॉल किया, ठीक है। तो वो लोग तो आप कर ही लोगे, वो तो ठीक, कोई दिक्कत ही नहीं है, यार्न नहीं आया यहाँ से, ठीक है। रिएक्ट नेटिव वीडियो को यहाँ से मैंने इंस्टॉल कर लिया। इसके बाद इनका जो इंस्टॉलेशन एरिया है, यहाँ पे एंड्रॉयड इंस्टॉलेशन में जाके हमने क्या करा, सबसे पहले ये वाला जो कोड उठाया, इस कोड को उठाया, ठीक है, और इस कोड को उठा के हम गए अपने एंड्रॉयड स्टूडियो में, प्रोजेक्ट खोला मैंने, ठीक है, और वहाँ जाके सेटिंग्स डॉट ग्रेडल में जाके, यहाँ ये जो सेक्शन है सेटिंग्स डॉट हैज प्रॉपर्टी, इसके अंदर जाके मैंने वो दोनों लाइन पेस्ट कर दी, रिएक्ट नेटिव वीडियो और प्रोजेक्ट के अंदर रिएक्ट नेटिव वीडियो और ये उस नोड मॉड्यूल के अंदर जो भी है उसका कोड, ठीक है। ये वाला मैंने यूज़ किया, रिएक्ट नेटिव वीडियो एंड्रॉयड, ये वाली जो भी कोड है, ये वाला कोड मैं अलग से आपको दे दूंगा, ठीक है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अगर दे पाया तो उसमें दे दूंगा, नहीं तो एक फाइल छोटी सी टेक्स्ट की बना के, ठीक है, मैं उसका URL डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, जहाँ से आप ये वाला कोड ले सकते हो। क्योंकि हो सकता है कि यहाँ देखो, मैंने देखा यहाँ, आप जब हम देख रहे हैं, देखो यहाँ पे, ये देखो ये रहा, ये कोड है यहाँ पे, ठीक है। बट अगर आपको यहाँ से नहीं हो तो मैं, आप बता देना कमेंट में, मैं आपको अलग से भी दे दूंगा, ठीक है। तो ये दोनों लाइन मैंने उठाई और एज इट इज यहाँ पेस्ट कर दी सेटिंग डॉट ग्रेडल के अंदर, ठीक है। इसमें कुछ नया नहीं था, पहले भी शायद हम ऐसे करते थे, ठीक है। उसके बाद सेकेंड चीज़ मैंने क्या करी, सेकेंड चीज मैं गया बिल्ड डॉट ग्रेडल ऐप लेवल में, ठीक है, यहाँ गया, यहाँ पे जाके मैंने ये एक लाइन पेस्ट करी, इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट, जिसके अंदर मैंने रिएक्ट नेटिव वीडियो डाल दिया, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये था कि जहाँ पे मैंने इम्प्लीमेंटेशन के अंदर ये लाइन ऐड कर दी। तीसरी लाइन, तीसरी चीज़ क्या ऐड करी मैंने, ये एंड्रॉयड एक्स ऐप कॉम्पैक्ट, ये वाला वर्जन जो पुराना वर्जन था उसकी जगह पे मैंने ये नया वर्जन इम्प्लीमेंटेशन में ये वाला नया ऐड कर दिया। अब ये कोड यहाँ कैसे मिलेगा, यहाँ देखते हैं हम। देखो ये कोड मैंने यहाँ से उठाया, पेस्ट कर दिया, और ये कंपाइल था, ये यहाँ पे प्रोजेक्ट में इनका कंपाइल दिख रहा है, तो कंपाइल की जगह पे मैंने ये वाला कोड उठाया और अपने प्रोजेक्ट के अंदर इम्प्लीमेंटेशन का यूज़ करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है भाई। दो चीज़ें मैंने ये करी, उसके बाद ये ऑलरेडी इनेबल्ड रहते हैं ये, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। और ये मैंने कुछ नहीं किया, रिएक्ट वीडियो पैकेज हम जब हम NPM यूज़ कर रहे हैं तो इसकी हमें जरूरत नहीं है। बस इसके बाद मैंने प्रोजेक्ट को अच्छे से क्लीन ब्लीन करके इसको यहाँ से
जाके क्लीन बिल्ड कर आके फिर मैंने प्रोजेक्ट को रन किया, ठीक है, उसके बाद ये अच्छे से चल रहा है। अब बात करते हैं कोड की। कोड लेवल पे हमने क्या किया, हम यहाँ आए, मैंने ये रिएक्ट नेटिव वीडियो को इम्पोर्ट किया, ठीक है, इसमें कोई नई चीज़ नहीं है, ऐसे ही इम्पोर्ट करते हैं। उसके बाद मैंने वीडियो को यहाँ डाला और वीडियो के बाद मैंने एक लोकल से वीडियो फाइल उठा ली, मैंने रेफ़ बनाया, रेफ़ की जरूरत ना, वैसे मैंने रेफ़ को भी यूज नहीं किया बट मैंने बना दिया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसको बिट दी, इसको हाइट दी, बैकग्राउंड कलर दे दिया और रिजाइड मोड कंटेन कर दिया, बस इतना ही मुझे करना था। और मीडिया कंट्रोल्स को ट्रू कर दिया, जिसकी वजह से आप यहाँ देख सकते हो मीडिया कंट्रोल ट्रू किया, इसकी वजह से ये बटन प्ले का और ये सारी चीज़ एक बार दिख रहा है, ठीक है। तो रिएक्ट नेटिव वीडियो के अंदर इतना ही था। अब इसके बाद हम डील करेंगे रिएक्ट नेटिव मीडिया कंट्रोल, वीडियो मीडिया कंट्रोल के साथ, ठीक है। तो उसका एक नेक्स्ट वीडियो डालूंगा, उसके अंदर मैं बताऊंगा। तो अगर आप अभी ट्राई करके देखो, अगर उसके बाद भी अगर आपकी दिक्कत आ रही है तो मुझे कमेंट्स में बताना, बट मेरे हिसाब से नहीं आएगी, क्योंकि शायद उन लोगों की तरफ से भी कोई दिक्कत थी जो रिएक्ट नेटिव के नए वर्जन पर सपोर्ट नहीं कर रहा था, तो उन लोगों ने शायद उस दिक्कत को सॉल्व किया है, क्योंकि यहाँ हम देख सकते हैं इन्होंने पब्लिश 6 डेज एगो करा, मतलब इन्होंने कुछ इसके अंदर चेंजेस करे हों, 6 दिन पहले इन्होंने चीज़ों को अपडेट करा है, ठीक, डॉक्यूमेंटेशन इन्होंने अपडेट किया है, ठीक है। तो यही एक चीज़ थी, तो जिसकी वजह से ये अच्छे से चल रहा है अब। तो आप एक बार ट्राई करो और अगर कोई भी दिक्कत आती है तो मुझे बताना कमेंट में, बाकी आई होप दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।